हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी फिजिक्स के न्यूमेरिकल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 2.14 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड 3.18 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार? नोट, ऑब्टेन दैट स्पीड which is relevant for damaging the thief's car. देखो स्टूडेंट, यहाँ दिया हुआ है स्पीड ऑफ पुलिस वैन, तो स्पीड ऑफ पुलिस वैन, स्पीड ऑफ पुलिस वैन, ठीक, पुलिस वैन की स्पीड हम ले सकते हैं वीपी, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखो स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, 18 में इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 जा 6 5 जा, यानी हमारी वीपी आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, स्पीड ऑफ थीफ्स कार, इसको हम लोग वी टी ले सकते हैं, ठीक है, टी से थीफ हो गया, यहाँ पी से पुलिस हो गया, ओके, इज इक्वल टू 192 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 192 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 6 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 6 3 जा 18 एंड 6 से इसको कैंसिल करेंगे 32 आएगा, देखिए 6 3 जा 18, 1 कैरी 12, 6 2 जा 12, 32 आ जाएगा। वी टी इज इक्वल टू 32 5 जा 160/3 मीटर पर सेकेंड, If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, तो देखो student, bullet जो निकल रही है, ठीक है, वो bullet कहीं से fire होके आ रही है और वो fire करने वाला place है police van पर, यानी police van से fire होती है, तो police van पर fire होती है तो इसकी जो muzzle speed होगी इसको हम लोग BP ले लेंगे, bullet की speed from पुलिस वैन, तो इस मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, ठीक, VBP इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक, मजल स्पीड VBP इज इक्वल टू 150 पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बुलेट रेस्पेक्ट टू अर्थ, आप देखो स्टूडेंट, हमें बुलेट की स्पीड रेस्पेक्ट टू अर्थ निकालनी होगी,
क्योंकि जब बुलेट फायर हो रही थी तो पुलिस वैन भी चल रही थी। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये ऐसे है हमारी गन, मान लो जो पुलिस वैन पर है ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब जाते समय यहाँ से मान लो फायर होगी, कोई बुलेट ऐसे निकलेगी तो इसमें इसकी भी स्पीड आएगी और इसकी भी, तो जो ग्राउंड से दिखेगा उसे इसकी स्पीड दोनों का प्लस दिखाई देगी स्टूडेंट, इसका और इसका दोनों का प्लस दिखाई देगी, ठीक है। तो जो स्पीड आप बुलेट रेस्पेक्ट टू अर्थ होगा स्टूडेंट, इसको हम वी बी बी ले लेंगे, ठीक, क्योंकि ये बुलेट और अर्थ के बीच की है तो इसको हम ले लेंगे वी बी, और ये इन दोनों का प्लस होगी, यानी वी बी पी प्लस वी पी, ठीक, इन दोनों का प्लस होगी, ठीक है। इसलिए होगी जो बुलेट फायर हो रही वो वैन से हो रही है और वैन खुद चल रही है, तो वैन की भी स्पीड बुलेट की स्पीड में ऐड होगी जब ग्राउंड से कोई उसको ऑब्जर्व करेगा। तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करने के लिए हमको इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो हमारा वी बी आ गया, वी बी इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 25/3 मीटर पर सेकेंड ऐड कर लो स्टूडेंट, वी बी हमारा आ जाएगा 150 इंटू 3 450 प्लस 25 475, खुद ऐड करिए स्टूडेंट, कोशिश खुद करिए, मीटर पर सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन कह रहा विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, तो जिस स्पीड से बुलेट थीफ कार को हिट करेगी वो हमें बताना है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो थीफ की कार है वो इस स्पीड से मोशन कर रही है और जो बुलेट की स्पीड है रियल में वो इतनी है, ठीक, वी बी है। तो जो फायर होने के बाद बुलेट इसको जितनी स्पीड से लगेगी वो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी, और जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड दोनों की जो है एक दूसरे के डिफरेंस होती है, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द बुलेट रेस्पेक्ट टू थीफ्स कार, रिलेटिव स्पीड ऑफ द बुलेट रेस्पेक्ट टू थीफ्स कार, जो थीफ की कार है चोर की उस पर उसके रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी बुलेट की, तो ये हमारी स्पीड होगी वी बी टी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी टी इज इक्वल टू 475/3 मीटर पर सेकेंड माइनस 160/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसमें चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल है स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस कर दो डायरेक्ट, तो आ जाएगा 315/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, यानी इसको डिवाइड कर दो तो वी बी टी इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। देयरफॉर बुलेट द बुलेट विल हिट
द थीव्स कार, विद स्पीड, VBT इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देयर फोर द बुलेट विद हिट विल हिट द थीव्स कार विद स्पीड VBT इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड. इसी स्पीड से हिट हो जाएगी वो. ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए. गुड डे स्टूडेंट्स.